इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी एक खबर इस समय गुरुग्राम के खांडसा गांव से सामने आ रही है। आपको बता दें गुरुग्राम के खांडसा गांव में ताबड़तोड़ दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। आपको बता दें गुरुग्राम के खांडसा गांव में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, तो वहीं ये सारा घटनाक्रम दोपहर 2:30 बजे के आसपास का है जब ये गोलियां एक दूसरे पर दागी जा रही थी। आपको बता दें सुनील उर्फ फौजी पर ये ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो चलाई गई, और वहीं आपको बता दें दिनेश उर्फ तैमू नामक युवक ने गोलियां चलाई हैं। तो वहीं आपको बता दें दिनेश उर्फ तैमू के गोली चलाने के बाद सुनील उर्फ फौजी ने अपने बचाव की कोशिश की, तो वहीं कोशिश में ही हमलावर दिनेश उर्फ टीनू की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं जो कि गुरुग्राम के खांडसा गांव से सामने आ रही है, जहां एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की गई दिन दहाड़े। ये एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का मामला सामने आ रहा है जिसमें हमलावर की मृत्यु हो गई। आपको बता दें बात करें पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात है, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं जो गुरुग्राम के खांडसा गांव से सामने आ रही है। आपको बता दें गुरुग्राम के खांडसा गांव में दिन दहाड़े आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया गया, जहां गुरुग्राम पुलिस जो है आपराधिक ग्राफ जो है वो घटाना चाह रही है। लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अपराधी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके और अपराधियों को काबू किया जा सके। तो वहीं ये दिल दहला देने वाला मामला गुरुग्राम के खांडसा गांव से सामने आ रहा है, जहां दिन दहाड़े जो है एक दूसरे पर फायरिंग की जाती है, और फायरिंग भी ऐसी कि हमलावर की मृत्यु हो जाती है। और ये घटनाक्रम अगर हम बात करें तो ये रात के अंधेरे का नहीं बल्कि दिन के उजाले का है। करीब दोपहर 2:30 बजे की सारी घटना है जब एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की गई, तो वहीं बचाव करने की कोशिश में हमलावर की इसमें मौत हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े फायरिंग ताबड़तोड़ एक दूसरे पर गोलियां चलाई गई, तो वहीं आपको बता दें दिनेश उर्फ तैमू के गोली चलाने के बाद सुनील उर्फ फौजी ने बचाव की कोशिश की, और कोशिश में ही हमलावर दिनेश नामक युवक की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर ही भारी पुलिस बल तैनात है और घटना का जायजा लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से।